हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल ज्ञान। तो आज इस वीडियो में बच्चा लोग हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं अमाइन चैप्टर का, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग अमाइड को कन्वर्ट करेंगे अमाइन में। तो समझते हैं इस रिएक्शन का मतलब क्या है। हॉफमैन ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमामाइड ठीक है, तो ब्रोमामाइड इधर से एक साउंड आ रहा है, किसका किसका, ब्रोमीन का एज वेल एज अमाइड का, ये दो साउंड आ रहा है। और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब हो रहा है कुछ कम होना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली एक कार्बन कम होता है, दैट्स व्हाई यहां पर हम लोग डिग्रेडेशन बोल रहे हैं। ये रिएक्शन बच्चा लोग काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक नेम रिएक्शन है तो बोर्ड वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो इनिशियली सबसे पहला हम लोग एक अमाइड लेंगे। तो सपोज मैंने ले लिया इथेन अमाइड, CH3 C डबल बॉन्डो NH2, दिस इज व्हाट इथेन अमाइड। इसमें जो रिएजेंट लगता है वो लगता है ब्रोमीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH एंड NaOH ठीक है। और इधर आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, यहां पर बैलेंसिंग के लिए याद रखना 114 ये आप लोगों को याद रखना है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अमाइड विल कन्वर्ट इनटू अमाइन, तो CH3NH2 बन जाएगा। बायो प्रोडक्ट जो बनता है बेसिकली, इधर हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो K2CO3, उसके साथ साथ KBr प्लस वाटर भी बन जाएगा। बात समझा क्या। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये जो अमाइड था दैट इज इथेन अमाइड, बिकॉज दो कार्बन है इसलिए इथेन बोल रहे ठीक है, इथेनामाइड से क्या बन गया, मिथेनामाइन। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या सर, अमाइड कन्वर्ट हो गया अमाइन में। याद रखना अमाइड जो होता है वो प्राइमरी होना चाहिए ठीक है, और इस रिएक्शन से आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, सेकेंडरी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म वाले पार्ट में। तो बेसिकली आप देखो सर हुआ क्या, ये जो अमाइड का सी डबल बॉन्ड ओ था ना वो गायब हो गया, वो प्रोडक्ट में हमको नहीं दिख रहा, और जो CH3NH2 था वो साथ में आके जुड़ गया। तो इस रिएक्शन को शॉर्टकट वे में अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को याद रखना, अमाइड के, क्या बोला मैंने, अमाइड के सी डबल बॉन्ड ओ को हटाओ, अमाइड के सी डबल बॉन्ड ओ को हटाओ एंड उसके कार्बन दैट इज अल्काइल ग्रुप एंड NH2 को साथ में लगाओ, एंड उसके अल्काइल ग्रुप दैट इज R ग्रुप एंड NH2 को साथ में लगाओ, साथ में लगाओ। सो ये मंत्र है, ये मंत्र आप लोग याद रखोगे तो आप लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो अमाइड का सी डबल बॉन्ड है उसको गायब करना है और इसके कार्बन यानी अल्काइल चेन को NH2 के साथ लगाना है, तो CH3NH2 मिथेनामाइन बन गया, यस और नो। यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या बना, K2CO3 KBr एज वेल एज वाटर, ये बाय प्रोडक्ट याद रखना है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, आप देख सकते हो दो ब्रोमीन है यहां पर भी, दो ब्रोमीन है, चार पोटेशियम है यहां पे, दो और दो चार पोटेशियम है, दो कार्बन है बेटा यहां पर, एक और एक दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना बच्चा लोग, यहां पर दो है, यहां पे चार, चार दो छह, तो यहां पर आप देखोगे 2 2 4 और यहां पे 2 6 हाइड्रोजन भी है, यस और नो। अब लास्ट में हमको ऑक्सीजन देखना है, एक और चार कितना हो गया, पांच, तीन और दो कितना हो गया, पांच। तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, तो याद क्या रखना है, 114 जो बेस होगा वो आपको कितने बार लेना है, चार बार लेना है। तो अगर अभी एक क्वेश्चन आ गया, सपोज बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट बेंजामाइड इंटू एनिलीन, कन्वर्ट बेंजामाइड इंटू एनिलीन। तो देखो ऐसे रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज तो आना चाहिए, वो है ये जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। देखो ऐसे रिएक्शन काफी इजी होते हैं, बिकॉज इसमें आपको रिएक्टेंट का भी नाम दे दिया है, प्रोडक्ट का भी नाम दे दिया है, आपको बस उसका स्ट्रक्चर बनाना है और अकॉर्डिंगली उसके आपको रिएजेंट लिखना है। तो सबसे पहला आई विल राइट बेंजामाइड, तो बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ NH2
उससे मुझे क्या बनाना है बच्चा लोग, एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक NH2, यस और नो। तो बेंजामाइड से एनिलीन कुछ ऐसा हो गया। तो इस यहां से यहां पर देखो क्या चेंज हो रहा है सर, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, कार्बोनिल ग्रुप, वो गायब हो गया है। तो वो गायब हो गया मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बिकॉज अमाइड से क्या बना बेटा, अमाइन बना। और एक कार्बन क्या हो रहा है बच्चा लोग, कम हो रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है मतलब इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो बड़े प्यार से यहां से आप लोग रिएजेंट लिख देना, ब्रोमीन एज वेल एज NaOH या KOH, और उसको हीट कर देना, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट लिख देना 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वॉटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज वॉट योर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें करना क्या है, अमाइड के सी डबल बॉन्डों को गायब करो, उसके अल्काइल और NH2 को साथ में लगाओ, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज अवर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एंड उस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन में ये जो चार NaOH या KOH कहां पर यूज हो रहा है, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेकेंडरी अमाइड, और हम लोग देखेंगे कि ये बाय प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुए, NaBr सोडियम कार्बोनेट। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, टिल देन आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सर अमाइड से अमाइन बन रहा है, एक कार्बन जो है वो निकल जा रहा है। तो वो कैसे निकलता है ये हम लोग अभी मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। सो मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ध्यान दो। सो देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक अमाइड लेना है। सपोज मैंने एक अमाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड और NH2, ओनली प्राइमरी अमाइड, और आपको पता चलेगा सिर्फ क्यों प्राइमरी अमाइड, वाई नॉट सेकेंडरी अमाइड, ठीक है? तो ये मैकेनिज्म में समझेगा। सो प्राइमरी अमाइड आपको लेना है। अब आप लोग ने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया था NaOH KOH, ठीक है? तो उसमें से क्या निकलेगा बेटा, OH-। अब OH- क्या है, बेस है, तो बेस को क्या पसंद होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, तो OH- क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, दैट मींस एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहां पर बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH-, यस और नो? तो पहला ये बना। फिर हम लोग ने क्या लिया था, ब्रोमीन भी लिया था। तो सर ब्रोमीन इज अ नॉन पोलार मॉलिक्यूल, बट इट इज पोलार मॉलिक्यूल। सो पोलैरिटी के वजह से उस नॉन पोलार मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस होता है, ब्रोमीन विच इज अ नॉन पोलार मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गया, ये ब्रोमीन नेगेटिव के बगल में, तो इट विल बिहेव एज पॉजिटिव एंड इट विल बिहेव एज नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर पोलैरिटी आ गया बिकॉज ऑफ दिस। अब जैसे ये पॉजिटिव सेंटर के जैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से किसको निकाल देगा, Br को। तो यहां पर आपके पास क्या बना वो समझो, तो यहां पर बेसिकली RC डबल बॉन्ड O NH और एक क्या बन गया, Br, विच इज नोन एज ब्रोमामाइड। सो ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों को समझा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है ध्यान से समझो, सबसे पहला आपका जो ब्रोमामाइड बना है उसको हम लोग लिखेंगे एज इट इज, दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH Br। अब इस स्टेप में क्या हुआ, OH- अगेन, ये सेकेंड बेस है, फर्स्ट बेस आपने यूज किया, ये सेकेंड बेस, टोटल कितने लिए थे, चार, ये अगेन आएगा एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ठीक है? और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को लेकर चला जाएगा। सो बेसिकली यहां पर क्या हो गया बच्चा लोग, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्या होगा ध्यान से सुनना, पाई सिग्मा नेगेटिव, फील आ रहा है रेजोनेंस का, यस, यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस जैसा होगा और एक रीअरेंजमेंट होगा। तो बेसिकली क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? अल्काइल रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को, और साइमल्टेनियसली यहां से कौन निकलेगा, Br निकलेगा।
ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस हो रहा है। सबसे पहला क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, तो कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाए थे, ये बन गया पांचवा बॉन्ड। ठीक है, तो यहां से कार्बन, ये जो अल्काइल ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकला और उसने अटैक किया किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, और यहां से क्या निकल गया, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन निकला, इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और आर जो है इसके ऊपर अटैक कर देगा। सो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये सी डबल बॉन्ड हो रह गया एज इट इज, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन से बीआर निकल गया और नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया बेटा, आर आ गया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। तो याद रखना, इस रिएक्शन में आइसोसाइनेट फॉर्म होता है। ये था आपका बच्चा लोग सेकेंड स्टेप। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। तो थर्ड स्टेप में अगेन हम लोग जो बना है पहले उसको लिख लेंगे, डबल बॉन्ड एन, इधर क्या आ गया आर। अब देखो, हमने चार बेस लिए थे, अभी भी एक बेस, दो बेस बाकी है, तो एक और OH माइनस आएगा, कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि इट इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यस और नो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये OH माइनस नेगेटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव, देखकर चला जाएगा कार्बन के पास और अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के पीछे आएगा, यस और नो। तो ये वाला बॉन्ड टूट के पीछे आ गया, तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा बच्चा लोग, CO माइनस, यहां पर क्या आ गया OH, और यहां पर डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ गया R, यस और नो। सर ये वाला बॉन्ड ही क्यों ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं हुआ, ये बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा पोलार है, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। इज दिस क्लियर। अब यहां पर देखो अगेन पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो रेजोनेंस जैसा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस पीछे बैक बॉन्डिंग करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के, पाई इलेक्ट्रॉन टूट के किसके ऊपर आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो बेसिकली यहां पर क्या बन गया, ओ डबल बॉन्ड सी, इधर क्या है बेटा OH है, यस और नो। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया आर। अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये N माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और H को पकड़ लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है बच्चों लोग, मैं यहां पर लिख रहा हूं O डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन ने किसको पकड़ा, हाइड्रोजन को, यस और नो। तो यहां पर क्या हो गया NH, नाइट्रोजन के साथ एक R पहले से लगा हुआ था R, कार्बन पे कौन बचा O, O के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यस और नो, समझा क्या। अब वापस देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, क्यों कम है, बिकॉज उससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और यहां से कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखो बच्चों लोग, यहां से क्या निकला, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है बेटा, सी ओ टू। तो आपको समझा कैसे एक कार्बन कम हो जाता है, अमाइड से अमाइन बनते टाइम हम लोग ने बताया था कार्बोनिल के सीओ को हटा दो, वो जो सीओ है उसको निकाल दो, तो वो एक्चुअल में कैसे निकल रहा है, वो इस फॉर्म में निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू, तो सी ओ टू इस रिएक्शन से निकलता है, समझा क्या। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो बेसिकली आप इधर लिखोगे R, नाइट्रोजन के साथ एक H तो बना हुआ था, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टूट के किसके पास आएंगे बेटा, नाइट्रोजन के पास आएंगे, यस और नो। अब ध्यान दो, इधर बहुत से स्टेप में वाटर बना था कि नहीं, जैसे कि यहां पर भी वाटर बना था, यहां पे भी वाटर बना था, तो हमारे सोल्यूशन में वाटर भी है, यस और नो। तो वो वाटर जो है वो अपना H+ देगा, वो क्या करेगा H+ देगा, और यहां से N- क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन को पकड़ेगा और बेसिकली क्या बन जाएगा R, एक H पहले सीधा एक और H आ गया R NH2, which is known as primary amine, which is known as primary amine. Is this clear to all of you? So this is the mechanism of conversion of primary amide into primary amine and product contain one carbon less than the reactant. Is this clear?
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने चार OH माइनस यूज किया था तो अभी तक तो यहां पर तीन दिख रहे, एक ये दो और यहां पर एक तीसरा, सर चौथा किधर गया? तो जो चौथा NaOH या KOH है वो सॉल्यूशन में ही है, वो क्या करता है ना, CO2 के साथ रिएक्ट करता है। CO2 we all know it is acidic oxide, ठीक है, तो CO2 उस बचे हुए NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है कार्बोनेट सॉल्ट। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड बेस आपको कार्बोनेट सॉल्ट बनता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट में याद करो सोडियम कार्बोनेट भी बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 है वो बेसिकली NaOH के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। साथ साथ आपने देखा वाटर भी बन रहा है इस रिएक्शन में, और जो Br- यहां से फ्री हुआ, यहां से फ्री हुआ, वो पोटेशियम या सोडियम के साथ मिलके NaBr या KBr बना लेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, एक क्विक रिविजन करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, प्राइमरी अमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में, और अमाइन के अंदर रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली एक कार्बन कम होता है, मतलब एक कार्बन कम हो रहा है, निकल रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन। तो बेसिकली आपके पास कोई भी अमाइड है उससे आपको अमाइन बनाना है, तो अमाइड के सी डबल बॉन्डों को हटा के कार्बन और NH2 को साथ में लगाना है, ये रिएक्शन का मंत्र है। और साथ साथ ये मैकेनिज्म है तो आपको पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस, और सेकेंडरी अमाइड से क्यों नहीं हो सकता ये रिएक्शन, क्योंकि याद करो एटलीस्ट दो हाइड्रोजन होगा तभी, क्योंकि पहले स्टेप में भी एसिडिक हाइड्रोजन निकला था और यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन निकला था, जबकि सेकेंडरी अमाइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये रिएक्शन सेकेंडरी अमाइड के साथ पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वॉज दी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन पूरा समझा होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।